बताओ भाई। तरह से तोड़ा ये अपने पर ये जैसे क्या है कि उनने ये नकुचा तोड़ा हमने पहले। अच्छा नकुचा तोड़ दिया हमने जी, और यहाँ से जैसे नकुचा तोड़ के वो ऊपर गए। जूते उतार ये तोड़ दिया पूरा, और ये पूरा उन्होंने पूरा उठा के यहाँ पर रख दिया। ये पूरा टूटा हुआ अंदर का, ये भी टूटा हुआ है, टूटा हुआ वो टूटा हुआ कहाँ रखा है अंदर से बिखेर दिया था यहाँ रखे पूरे कपड़े, और ये पूरा जर्नी वगैरह थी सभी पूरे कपड़ा बाहर कर दिए तुमने। हर किसी के हाथ में एक पोटली दिखे दिया, ये पोटली और उसके हाथ में वो दीवार फान के आए, ठीक है, और साइड साइड से छुपते हुए हमारे इधर आ गए, और यहाँ से निकल के फिर तीन लोग हैं वो, और तीनों पहले एक आया फिर उसने दो लोगों को बुलाया, ठीक है, वो तीनों लोग गेट फान के अंदर गए, ताला तोड़ा उनने, वो निकल के माल लेके आके फिर धीरे से साइड से गए, आगे जाके एक मकान शर्मा जी का मकान है फिर वहाँ गए, वहाँ से फिर उनने वहाँ का ताला तोड़ा, वहाँ का ताला तोड़ने के वहाँ से भी कुछ माल लेके गए, और सीधे सामने के प्लाट से जहाँ से आए थे उसी रास्ते से वो दीवाल फान के वापस निकल गए। कितनी कॉलोनी में कितने घरों को निशाना बनाया? कॉलोनी में दो घरों को निशाना बनाया उन लोगों ने, करीबन 1.5 लाख रुपए का सामान था। आमतौर पर आए दिन इस तरह की, मतलब एक इसके 10-15 दिन पहले एक गाड़ी भी चली गई थी, और यहाँ अभी आए दिन ये घटनाएँ हो रही है, और यहाँ कॉलोनी के जो रास्ता बीच में है हो सकता है, क्योंकि लुंगी टाइप दिख रहे हैं वो सीधे में कैमरे में जो लुंगी पहने हुआ दिख रहा है बंदा, हो सकता है कोई लिंगुल गेम हो, और ये लोग यहाँ पर निशाना बना रहे हैं। अभी हम लोग का अभी बाहर थे लॉकडाउन के कारण खंडवा में थे, ठीक है, हमारे पड़ोसी ने हमें जानकारी दी कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं, दरवाज़ा खुला दिख रहा है, नकुचा टूटा हुआ है, फिर हम लोगों को फ़ोन किया और हम लोग वहाँ से आए, फिर हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करे, पहले 100 पे फ़ोन किया, 100 आई, उनने देखा चेक करा। हाँ अभी पुलिस गश्त तो बंद है अभी, हाँ उन्हीं के कारण चोरों का आतंक, हाँ चोरों का आतंक हो रहा दिन पे दिन, हाँ आतंक मचा हुआ है, और क्या गेट के बाहर भी बहुत ऐसे जो लोग हैं जो घूमते रहते हैं रात में, और इधर जो प्लाट खुले हैं वहाँ पर कारें खड़ी रहती है, वहाँ दारू नशा करते हैं और फिर रात को चोरी को अंजाम देते हैं।